Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एंगेजमेंट रही। उसके अलावा तीन जो हाई लेवल यूएस डेलीगेशन आए थे उनके साथ जो हुकूमत की और फिर हमारे साथ सिक्योरिटी की सतह पे बातचीत हुई वो कैसी रही? तो इसके सम्राट अगर आप देखना शुरू करें तो एक तरफ नई यूएस पॉलिसी आई थी, उसके बाद ये एंगेजमेंट शुरू हुई। तो हुकूमती सतह पे भी आपने वो सारे बयान देखे होंगे और आर्मी चीफ के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो हमारी जो लाइन थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने पिछले 15 साल के अरसे में और ख़ास तौर पर पिछले 7-8 साल के अरसे में अपनी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत इकदाम किए और उसके हमने अच्छे नतज भी हासिल किए और हमने पाकिस्तान के अंदर अलहमदिल्ला वो स्टेज लेकर आ गए हैं कि जहाँ अभी कोई नो गो एरिया नहीं है जो कि टेररिस्ट के इन्फ्लुएंस में हो। और इसी बात को आगे चलाते हुए सिक्योरिटी की सतह पर जब बातचीत हुई तो आर्मी चीफ का उनसे ये था कि अब जो इंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ हमने जाना है वो कॉपरेशन ही हमें आगे लेके जा सकता है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप हमें आगे लेके जा सकता है, नो अमाउंट ऑफ कोर्शन और कन्फ्रंटेशन विल टेक अस टू बेनिफिट फ्रॉम वट एवर वी हैव डन। तो इसके नतायज जो हैं वो आना भी शुरू हुए। इस सिलसिले में कल जब हमने एक ऑपरेशन किया जिसपे हमें अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि एक जो कैनेडियन फैमिली है वो अफगानिस्तान से, आपको याद होगा, अक्टूबर 2012 में किडनैप हुए थे, उसके बाद से वो उन्हीं के पास थे अफगानिस्तान में और इस दौरान अमेरिकन्स की भी अपने लेवल पे जहां वो बातचीत कर सकते थे उन्होंने उनकी बाजियाबी के लिए बातचीत की। मुख्तलिफ मुलाकातों में हमारे साथ भी ये शेयर हुआ कि इस तरीके से जो फॉरेनर्स हैं उनको किडनैप किया हुआ है तो उनकी बाजियाबी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें शेयर करनी चाहिए। तो जो एंगेजमेंट्स चली हैं जिसमें हमने यही कहा कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कोऑपरेशन है, वो हमें फर्दर आगे लेके जाएगा एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है बढ़ाने के लिए भी और कामयाबी हासिल करने के लिए भी। तो उस दिन तकरीबन 4:10 पे अमेरिकन एम्बेसडर का हमारे GHQ में हाई लेवल ऑफिशियल से रब्ता हुआ और उन्हें बताया गया कि जो ये फैमिली है ये अफगानिस्तान से एंटर होके तो पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं कोरम एजेंसी के बॉर्डर से वो दाखिल हुए हैं तो हमें इसमें आपकी मदद चाहिए कि इनको रेस्क्यू करा सकें। लेकिन साथ ये भी एक जो कंसर्न था कि इनकी जान को कोई खतरा ना हो, हम इनको जो है वो बगैर किसी नुकसान के रिकवर कर सकें। 4:10 पर ये इन्फॉर्मेशन आई शाम को और उसके बाद हमने आल्दो की हमारी प्रेजेंस जो है वो उन इलाकों में बहुत है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंच के ऊपर जो है हमारी प्रेजेंस है, पोस्ट टू पोस्ट रब्ता होता है और एरिया टू एरिया रब्ता होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसकी बुनियाद पे हमने अपने जो ट्रुप्स थे उनको उस इलाके की तरफ भेजा। उसके अलावा जो भी टेक्निकल सर्वेलेंस के मीन्स हैं हमारे, हमने वो इस्तेमाल किए एंड वी कुड डिटेक्ट दैट व्हीकल, दो गाड़ियाँ थी। उसके बाद उन गाड़ियों को बिकॉज दे न्यू केस में क्या है, जब हमने उन गाड़ियों को ट्रेस किया और उनको कॉर्डन किया और जब उनको फायर करके उनके टायर के ऊपर उनको रोका गया तो उसके बाद हमारे जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि इनमें जो कैदी हैं उनको बाहफाजत निकाल लिया जाए। इसके लिए अभी मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा कि हमारी कोशिश ये थी कि जो टेररिस्ट हैं उनके उनको और जो उसके अंदर कैदी हैं उनको आइसोलेट किया जाए, उनको पहले अलहदा किया जाए। अगर वो इकट्ठे रहते हैं और अगर शूट आउट होता है तो उनको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा था जो कि अंदर कैदी थे और ये भी खतरा था कि वो भागते हुए इन्हीं पे फायर ना कर जाएं। तो इन एहतियातों के साथ और इस मकसद के साथ कि हमने उनको जिकाना है ये ऑपरेशन किया गया। जो ट्रुप्स थे उन्होंने पहले गाड़ी को टेररिस्ट को एक दूसरे से अलहदा किया, फिर उनके और उसके दरमियान आए और फिर गाड़ी से उनको निकाला और वो बाहफाजत उनको बाजियाब कराया। उन गाड़ियों में एक ड्राइवर और तीन जो है वो मुसल्ला अफराद भी थे। लेकिन जब हमारे ट्रुप्स ने उस गाड़ी को कॉर्डन किया तो हमारी पहली प्रायोरिटी उस गाड़ी को सिक्योर करना और उनको निकालना था।
अब जब इनको ट्रेस करके लेके आ रहे हैं तो इस इलाके तक पहुंच गए कि जहां नज़दीक जो है एक अफगान रेफ्यूजी कैंप भी था। हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो अफगान रेफ्यूजीज हैं इनका वापस जाना जो है वो ज़रूरी है। अब जो भी अफगान रेफ्यूजी कैंप में है उसमें अगर जाके आप उनमें शामिल हो जाएं और आपके पास जो भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं रेफ्यूजीज के वो भी हों तो हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल रहता है कि इनमें से कौन टेररिस्ट है और कौन रेफ्यूजीज हैं। तकरीबन 1.5 मिलियन रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज और इतने ही अनरजिस्टर्ड इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनको हमने बाहफाजत निकाला। उसके बाद उनके पेरेंट्स की स्टेटमेंट है वो भी आपने सुनी है, अमेरिकन गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, सबकी, एंड वी फील हैप्पी दैट देर इज़ अ लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विच द US लीडरशिप हैज़ शोन इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज। और ये जो एंगेजमेंट जिसका मैंने जिक्र किया आपके साथ शुरू में, इस एंगेजमेंट के पॉजिटिव्स हैं कि आप अगर हमारे साथ तावन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, ट्रस्ट के साथ चलेंगे तो हम हर वो काम करेंगे जो सबसे पहले हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है, उसके बाद रीजन के इंटरेस्ट में है, और किसी भी सतह पे जो अमन है और काउंटर टेररिज्म की कोशिशें हैं उनके इंटरेस्ट में है। तो वी टेक इट एज अ गुड बिगनिंग, अ गुड स्टार्ट, और इंशाल्लाह ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप चलेगा तो आगे और भी बेहतर काम होंगे। मैंने अपने बीपर में भी कहा था बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी होती हैं। हमने जो करना था, हुकूमत भी कह चुकी है, हम भी सिक्योरिटी फोर्सेस के फोरम से कह चुके हैं कि हमने अपने मुल्क में बहुत कुछ कर लिया है, अगर अभी कुछ और करना है तो वो अपने मुल्क के लिए ज़रूर करेंगे और अपने अदारों के साथ करेंगे, लेकिन अगर इसका लिंक आप किसी और मुल्क के लिए या किसी और तनाजर में लेते हैं तो उसमें डू मोर की अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें जो रिकवर हुए हैं कैनेडियन, बट ही हैड टू से certain that was true, but what has surprised me is that the handling of the situation by the Pakistanis, the men who have rescued us, the men who have made all of this possible, has actually made our second day even better than our first day of tasting freedom. It has been incredibly professional. I have been amazed. I have seen in Canada, in the United States, I have seen similar operations that have been bungled much very badly and were not handled as professionally, but this has been a tremendously precision work. It has been tremendously professional. It has been tremendously secure for my family, and they have taken every effort to make things as easy as possible. And so I can say to you, I did see the truth, and the truth was that car was riddled with bullets. The ISI and the army got between the criminals and the car to make sure that the prisoners were safe and my family was safe. There are good Muslims, there are bad Muslims, and there are those who are not Muslim, they are pagan. The criminals who held us, they were not good Muslims, they were not even bad Muslims, they were pagan. The men who kidnapped us did not even make a pretense of being Muslim. From the time halfway through our captivity, they even ceased to call themselves Mujahideen. They were undoubtedly criminals. They were undoubtedly pagans. They were directed by commanders who were not guided by Islam, and were not even pretending that they were guided by Islam. They were guided by external factors and guided by their own agendas. For 5 years, when we spent a large bulk of that time in Afghanistan, I do not see the presence of Afghan soldiers. I do not see control of Afghan government in these areas at all. The area, some areas may be controlled by Taliban, some areas may be controlled by Mujahideen, some areas are certainly controlled by criminals, and some areas are completely uncontrolled. Pakistanis are doing everything to their utmost. The different agencies have been overlapping with each other and working together. And each time that we are moved, we are handled, we are talking to another agency, we are just increasingly impressed by the fact that it is not a rare oddity. It is not that there is one or two good men who are serving Pakistan in this fashion.
which is actually everyone we meet, who he is, whether he is the driver of the Jeep, or he is the guard outside the door, or he is the man who is taking information. All of them have been incredibly attentive and incredibly professional, and I thank them all. Western media reports will look at Pakistan a little bit differently now after this has happened, and will understand that it is not a third world disaster area run by incompetent people at all. It is actually on the world stage and on the front lines. Thank you. Any question that you might have? Yes. उन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया पाक फौज के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि डीजीआई एसपीआर आपको कोट किया उन्होंने, लेकिन बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ ने भी ज़ाहिर है सेमिनार में खिताब किया था, तो इस पर क्या रिस्पॉन्स है? क्या ये इदारों के दरमियान हम देख रहे हैं कि कोई तल्ख किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई नेक शगुन नहीं लग रहा? आई एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन, लेकिन मेरा ख्याल था कि पहले आप इसके ऊपर सवाल करेंगे जो कल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है. So, is there any question on this operation? Yes, sir. I'll first take question on operation and then I'll get back to you. जी राठौर सर. जनरल साहब, ये जो आपने अभी सब कुछ बताया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त प्रेजेंटली हमारा क्या स्टेटस है, खास तौर पे फौज की सतह पे अमेरिका के साथ बाहमी तावन का, बाहमी एतमाद का, जैसा कि आपने कहा. सेकेंडली, इसके साथ जुड़ी हुई एक बात है, पाकिस्तान के अस्करी और सिविलियन अदारे अरसा दराज से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में गोली हल नहीं है बल्कि मुज़ाकरात. तो जो दोहा में, कतर में जो दफ्तर है तालिबान का, उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा और वो शिफ्ट हो रहे हैं ईरान और दूसरे ममालिक में, तो क्या ये समझा जा सकता है, जैसा कि स्पेकुलेशन की जा रही है, कि अब तालिबान का जो दफ्तर है वो यूएई में खोलने की तैयारी की जा रही है? काइंडली. थैंक यू राठौर साहब. आपका जो सवाल है वो बुनियादी तौर पर दोनों ही मेरी डोमेन से बाहर हैं. जहाँ तक पाक अमेरिका के ताल्लुकात हैं या पॉलिसी है या जो दोहा ऑफिस है, तो ये आई रिक्वेस्ट यू के फॉरेन ऑफिस पेज से रब्ता कीजिए. लेकिन सिक्योरिटी के अतबार से, चूंकि हमारा भी अमेरिकन के साथ इंट्रैक्शन रहता है आर्मी चीफ का, जैसे मैंने कहा कि पिछले तीन बड़े इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन हुए और आइंदा आने वाले दिनों में भी होंगे, तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो तो एक ग्लोबल कॉज के लिए होना चाहिए और वो रहा भी है. अफगानिस्तान में जो आईएसएफ की जंग थी, वो अगर पाकिस्तान का कोऑपरेशन ना होता तो वो शायद कभी कामयाब ना हो सकते. लेकिन इस कोऑपरेशन को जितना म्यूचुअल बेनिफिटिंग होना चाहिए वैसे ही चल सकता है. हमें एक दूसरे के इंटरेस्ट का जो है वो ख्याल रख के चलना पड़ेगा. कोई भी ऐसा कोऑपरेशन जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मे नॉट बी पॉसिबल. लेकिन एक ऐसा कोऑपरेशन जो कि ट्रस्ट बेस्ड है और जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव को आगे लेके चल सकता है, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन ऑफिस का भी इसके ऊपर कोई डिफरेंट स्टांस होगा और ना ही हमारा है. और ये एंगेजमेंट की पॉलिसी जो आर्मी चीफ ने अभी लेटली शुरू की है, एंगेजमेंट जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है, बेहतर करती है. आप में अप्रिहेंशन हो सकती हैं, उसका जिक्र हो सकता है, उस पर बहस हो सकती है और मिलकर एक अच्छा सोल्यूशन आगे चल सकता है. तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी का ऑपरेशन जो है वो जारी था और अभी भी जारी है और उसमें बेहतरी जो है वक्त के साथ हो रहा है. जी रोज़ न्यूज़ से, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बयान दिया था कि अमेरिका के साथ उन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन की पेशकश की थी अकानी नेटवर्क्स के खिलाफ, तो क्या पाकिस्तान की अस्करी क्यादत के लिए ये काबिल कबूल होगा कि पाकिस्तान की हदूद पर अमेरिका के साथ मिलकर कोई मुश्तरका ऑपरेशन किया जा सके? आई थिंक इसके ऊपर मैंने नोट विद रेफरेंस टू डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट, चूंकि ये मिलिट्री टर्मिनोलॉजीज होती हैं बाज़का, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो उसमें क्लैरिटी चाहिए होती है, तो इस पे मैंने बातचीत की थी बीपर के अंदर कि जॉइंट ऑपरेशन जो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो वो होता है मुश्तरका ऑपरेशन, के आपके भी ट्रुप्स हों और किसी और मुल्क के भी हों. तो देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑपरेशन ऑन पाकिस्तानी सॉयल फुल स्टॉप. देर हैड नेवर बीन एंड देर शैल नेवर बी अ जॉइंट ऑपरेशन बाय पाकिस्तानी फोर्सेज विद एनी अदर फोर्स ऑफ द वर्ल्ड. Thank you very much. Now let me get back to your question. जहाँ तक ताल्लुक है मौशियत के ऊपर जो बातचीत हुई कल शाम को, स्टेटमेंट आई, आप सब ने मुझे बड़ा रब्ता किया, बट आई थॉट के इस पे रिस्पॉन्स जो है वो
टू स्टार्ट विद नहीं को ऐसा बनता कि दिया जाए, क्योंकि फिर मैंने मीडिया देखा तो मीडिया पे भी काफ़ी सारा रिस्पांस जो है वो आ गया, हुआ वो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे या जो पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पांस था। लेकिन दो बातें उस स्टेटमेंट में ऐसी थी विच आई थॉट कि उसके ऊपर जो है बात कर सकते हैं। एक था कि DGISPR ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और दूसरा था कि ये बात जो है वो दुश्मनों को करनी चाहिए ना कि हमें। तो ऑन दिस आई वॉज डिसअपॉइंटेड बोथ एज अ सोल्जर, मोर एज अ सोल्जर एंड देन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेमिनार एक हुआ इकॉनमी के ऊपर कराची में, FPCCI के साथ मिलकर हमने किया, उन्हीं का इनिशिएटिव था। उसमें हमने रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जो हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको बुलाया, उनकी लिस्ट थी। उसमें से तीन जो हैं वो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, एक जो है वो एक्स स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, उसके अलावा सेनेटर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, और आर्मी चीफ ने उसमें की नोट एड्रेस दिया। उसमें सब ने खुल के बात की, और मैंने अपने बीपर में भी कहा, बल्कि आई सजेस्ट कि मैं आपको वो बीपर एक दोबारा सुना दूं कि मैंने बात क्या की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उस बीपर में जिस पे ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने बातचीत की। प्लीज दिखाइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार हुआ है, इकोनॉमी और सिक्योरिटी का जो इंटरप्ले है ये बड़ा मौजू दिलचस्प है। इसकी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इकोनॉमी के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस सामने आए हैं, फिर आर्मी चीफ भी आए और सारे एक्सपर्ट्स भी जमा हुए। फौज इनका टेक बैक किया, क्या आप इससे क्या लेसन लेके गए हैं? इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हुई है, क्या फायदा हुआ इससे? जी करण साहब, ये जो सेमिनार था इसका बुनियादी मकसद ये था कि सिक्योरिटी का और इकॉनमी का आपस में बहुत इंटीमेट लिंकेज है। अगर मुल्क की सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं होंगे तो वहां की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, उसके ऊपर असर पड़ता है, वो कमजोर होता है। और वाइस वर्सा, अगर आपकी इकॉनमी कमजोर है तो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये जो था टॉपिक, इसके ऊपर कल बातचीत हुई, बहुत अच्छे और नॉन जो है वो इकोनॉमिस्ट जो थे वो आए हुए थे, और इसको सीपैक के संदर्भ में भी देखा गया। मकसद ये था कि हम मिलकर बैठ के ये देख लें कि इकोनॉमी को मजबूत करना है तो उसमें सिक्योरिटी का क्या रोल है, और अगर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उसमें इकोनॉमी का क्या रोल है। तो बहुत उधर अच्छी बातचीत हुई, बहुत इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के वो डिस्कस किए गए। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, हुकूमत का सब्जेक्ट है वो काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है जो सिक्योरिटी को डील करता है, तो हमने सबने मिलकर बैठ किया ये बात की कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है, जो इन्वायरमेंट शेप की है, वो इकॉनमी को बेहतर कर सकती है, और किस तरीके से इकॉनमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है वो अगर बहुत अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, तो बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत सारा काम इसमें हमें करने की जरूरत है। जन साहब, क्या इसका फर्दर वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि बहरहाल नेशनल आर्मी है, ये कोई बाहर का तो इदारा नहीं है, पाकिस्तान के सारे इदारे हैं, पाकिस्तान की बहबूद और फलाह की बात है, और ये मीशे देखने का मामला है जो अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल रैंगलिंग्स और जो पॉलिटिकल एक शदीद जो पाकिस्तान की आप फजा आप देख रहे हैं, क्या कोई इसका फर्दर रोल आप प्ले कर सकते हैं? क्योंकि इज्जत है, इन्फ्लुएंस है, क्लाउड है, मोहब्बत है, फौज इस इकॉनमी के लिए सियासी कुवतों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को खुद अपने साथ मिला के कोई एक नेशनल एक्शन प्लान, जैसे कि दिफा के लिए और सिक्योरिटी के लिए आया था, इस किस्म की कोई चीज सोच नहीं है? जी जरूर, सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं है, और सोच हो सकती है, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, हम हर चीज में जो हमारे रोल के मुताबिक तजावीज हैं वो हुकूमत को पेश करते हैं। इस वक्त मिल बैठ के इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मशवरा करने की, बातचीत करने की बहुत जरूरी है, और उसमें जो पाकिस्तान आर्मी का रोल है, जो कि एनवायरमेंट ऐसी शेप करनी है सिक्योरिटी की कि लोग आ सकें और यहाँ जो पाकिस्तान में है वो आसानी के साथ अपना बिजनेस कर सकें। कुछ तजावीज आर्मी चीफ ने अपनी जो की नोट एड्रेस था उसमें भी दिया, टैक्स बेस को वाइड करने का दिया, उसके अलावा जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बातचीत की उन्होंने। तो ये चीजें देखने की है कि हमने अगर अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है तो इकोनॉमिक डिसिप्लिन जो है वो पाकिस्तान में लेके आना होगा, इंसेंटिव देने होंगे, और जो सीपैक है जिसको कि हम अपना इंजन समझते हैं इकॉनमी का फॉर द फ्यूचर, उसको कामयाब होना बहुत जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको एक क्लिप दिखाया, इस क्लिप में मैंने कहीं नहीं ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अनस्टेबल है या गिर गई है या काम नहीं हो रहा।
हम सब ने बहुत काम किया है। मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आप देख लें, कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ पाक फौज ने काम किया है। कोई भी अदारा अकेला काम ही नहीं कर सकता, हमारे इदारों ने बहुत काम किया है। मईशत में भी जब आप हिस्ट्री पीछे देखते हैं तो अप्स एंड डाउन आते हैं। मैंने भी इसमें यही कहा कि मईशत में बहुत काम कर रहे हैं और इसको मिल बैठ के करना है। आप सिर्फ ये देखें कि अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी तो इकॉनमी कैसे अच्छी चलेगी, और अगर इकॉनमी अच्छी नहीं होगी तो सिक्योरिटी कैसे चलेगी। आर्मी चीफ से उधर इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी किया लोगों ने और बहुत सारी उन्होंने तजावीज़ दी, तो आर्मी चीफ ने उनसे ही कहा कि आपका भी काम है कि मईशत को मजबूत करें। उन्होंने कहा जी कि आप टैक्स दें, एक हर जिम्मेदारी शहरी जब टैक्स देगा तो हुकूमत मजबूत होगी। उन सबसे कहा जी कि आप टैक्स दें। अभी टैक्स की आर्मी चीफ ने बात भी की थी तो पिछले साल जो टैक्स के नोटिसेज जो हुकूमत ने जारी किए उसमें से जो कलेक्शन हुई वो हार्डली 39% हुई। उन 39% कलेक्शन जो हुई टैक्स में से, उसमें से भी 95% जो टैक्स थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि हुकूमत खुद जो है वो इकट्ठा करती है, जबकि तकरीबन 5% जो है वो डायरेक्ट टैक्सिंग थी। अब उन डायरेक्ट टैक्सिंग में से भी जो 60% थी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जो कि उन्होंने वो भी एक किस्म की तकरीबन इनडायरेक्ट टैक्सिंग हो जाती है, जबकि जो प्राइवेट जो सेक्टर है उससे टैक्स कलेक्शन सिर्फ 40% थी, विच इज़ टू मीगर। तो उसमें जो तजवीज़ ये थी कि अगर हमने एक मुल्क मजबूत मुल्क बनना है तो हम तमाम शहरियों को, पाकिस्तानी शहरियों को जिम्मेदारी के साथ टैक्स बेस बड़ा करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं की थी, आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स एंड ऑल दिस वॉज विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें किसी भी शहरी को अपनी जिम्मेदारी के साथ बात करने की है। एक और बात यह कि जब मैं यहाँ खड़ा होकर बात करता हूँ तो ये कोई मेरी जाती बात नहीं होती। आई एम स्पोक्स पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड व्हेन आई से इट इज़ नॉट माय पर्सनल व्यू। और जो कुछ इकॉनमी के बारे में कहा दैट वाज आउटकम ऑफ दैट सेमिनार, और उस सेमिनार के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरेक्शन किया और ये एक डिबेट जनरेट करने की बात थी और तजवीज़ देने की बात थी जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। और पाकिस्तान आर्मी जो है हर किस्म का तावन हर दायरे के साथ कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। इसमें किसी किस्म की रिजर्वेशन या फियर्स या अप्रीहेंशन नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह हम हर वो काम करेंगे जो आइन और कानून के अंदर है और मुल्क की बेहतरी के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, मतीन हैदर बोल टीवी से। ये जो आपकी तरफ से बयानात आते हैं इसके बारे में एक बयानिया ये डेवलप किया जा रहा है कि जी जमहूरियत को खतरात लाहक हो रहे हैं। आपके आज के स्टेटमेंट्स, पास के स्टेटमेंट्स, तो एक ओवरऑल बयानिया ये है कि जी जमहूरियत को खतरा है, जमहूरी निज़ाम को खतरा है, तो इस तासर को आप कैसे जायल करेंगे? अगर ये तासर सिर्फ मेरे कहने से जायल हो जाता है तो आर्मी चीफ ने भी बड़ी दफा कहा है, जमहूरियत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है। जमहूरियत को अगर कोई खतरा हो सकता है तो वो जमहूरियत के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा ना करने से हो सकता है, अवाम की मंगों से हो सकता है। तो हमारी तरफ से आर्मी चीफ भी इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है और इंशाल्लाह कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि आइन और कानून से बलात्कार होगा। मैं इसी से लिंक कर दूं, बहुत सारी खबरें ये भी साथ, क्योंकि अफवाहें गर्दिश करती हैं कि जी कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने की बातचीत हो रही है या कोई डिफेक्टो मार्शला लग रहा है। मुल्क ने तरक्की करनी है तो इसमें हर किस्म का इस्तेहकाम होना जरूरी है, हुकूमत का चलना जरूरी है, हुकूमत का काम करना जरूरी है, और एक सिस्टम जो है जो कि एस्टेब्लिश सिस्टम है जमहूरियत का, उसका चलना जरूरी है। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सुमेरा रिप्रेजेंटिंग K2 टेलीविजन। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़, अभी जो ऑपरेशन आप लोगों ने एक कंडक्ट किया फॉर कनेडियन फैमिली, उस हवाले से पूछ लूँ। आपने अप्रिसिएशन का जिक्र किया एंड यू सेड वी आर हैप्पी नाउ। आई थिंक हमें एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक अब उनको लाना होगा कि जहाँ हमारी सेटिस्फैक्शन हो। क्या उस पर डेलीगेशन टू डेलीगेशन कोई बातचीत हुई कि अब पाकिस्तान की सेटिस्फैक्शन की बारी है कि आप पाकिस्तान को सेटिस्फाई करें? अगर हम अपने जवानों को पेश कर रहे हैं आप लोगों की फैमिलीज की हिफाजत के लिए भी, पाकिस्तानियों को तो छोड़ दें, उनकी तो हिफाजत पर हम ऑलरेडी मामूर हैं, तो क्या आपका फर्ज बनता है कि आप पाकिस्तानियों को मुतमईन करें अपने एक्शंस के साथ? एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज दैट इज रिगार्डिंग द डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी इन पाकिस्तान। एक चीज आपने कहा अगर मेरे अल्फाज से जायल होती है तो यहां पर आज आपके लाउड एंड क्लियर अल्फाज अगर मिल जाएं कि
कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी है जमहूरियत की और वही इदारे जो सिविल इदारे हैं उन्हीं की बालादस्ती है, फौज को उससे कोई सरोकार नहीं है ना उनके मामलात में आने का कोई शौक है। तो आई थिंक दिस शुड बी लाउड एंड क्लियर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई विल टेक योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल रिक्वेस्ट यू के चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑपरेशन के ऊपर थी। सिविलियन सुप्रीमेसी यस, हु अपॉइंट्स द आर्मी चीफ्स एंड द नेवल चीफ्स? द इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट। सिंध में रेंजर्स का ऑपरेशन होता है, रेंजर्स की अपॉइंटमेंट है, तो उसकी सैंक्शन और अप्रूवल कौन देते हैं? और एवरी थ्री मंथ इट इज डन। पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन होना था तो उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक के सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उसको एंडोर्स नहीं किया। राह रास्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जब तक वो गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया नहीं हुआ। जरब अजब भी ऐसे ही था। तो हर चीज जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी के अंदर ही है, कोई डिसीजन फौज नहीं लेती। देखें आप प्लीज ये समझें कि रियासत के इदारे होते हैं, ये बिल्कुल आइसोलेशन में काम नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होता है वो हक में वक्त का होता है। तो वट एवर आर द डिसीजंस टेकन, दोज आर टेकन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जी थैंक यू। ये आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर तावन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कंट्रोडक्शन या तसादम के साथ पीछे जा सकते हैं, इसको मैं दो तनाजुर में आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अपेरेंटली ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हम जब सोशल मीडिया या मीडिया को देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो फोर्थ जनरेशन वॉर का एक विक्टिम नजर आ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वॉर का विक्टिम है और इसमें जो रियासती इदारे हैं और कौमी इदारे हैं उनका जो रोल है कि किस तरह से आप मुल्क के अंदर भी जो एक तसादम की या टकराव की फजा पैदा की जा रही है कि उसको खत्म किया जा सकता है, और इसी तरह पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो खा वो USA के साथ है या बाकी तमाम ममालिक के साथ है रीजन के अंदर है कि उसको जो काउंटर नैरेटिव इसका जो इतना मजबूत बयानिया कैसे बनाया जा सकता है तमाम सिविल एंड मिलिट्री एंड इस लेवल के ऊपर के इस फोर्थ जनरेशन वॉर को काउंटर किया जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो है कि यही खतरा नजर आ रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। यस, नेचर एंड करेक्टर ऑफ वॉर हैज चेंज टू दैट वे कि जहां डायरेक्ट स्ट्रेटजी खत्म हो चुकी है, इनडायरेक्ट आ रही है और उसका भी बहुत डीप रूट नीचे इंपैक्ट आ रहा है, और इसमें सोशल मीडिया जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। इसमें हम सब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, फॉरवर्ड या रिसीव नहीं करें, चीज़ को तहकीक कर लें, स्पेकुलेशन को ख़त्म कर दें, और फिर जो फॉल्ट लाइंस को बाहर के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उसका मुतहद होकर जवाब दें। मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर पे एक बात कही थी, वो किसी मीडिया ने पिक नहीं की। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, ख्वाब इदारों के दरमियान हो या किसी एक इदारे के साथ दूसरे, वो होते हैं, वो रहते हैं और वो लीड करते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग आल्सो। लेकिन उस वक्त उस पैगाम में ये कहा था कि हमारे दरमियान में कोई भी डिविजन्स हो, विजिबल हो या पैदा की गई हो, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, वी ऑल आर वन। जो बाहर की कुवतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं उनको पता होना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, एवरी पाकिस्तानी, एवरी इंस्टीट्यूशन इज वन अगेंस्ट देम। उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सबको शहरी के तौर पर, इदारे के तौर पर और जिम्मेदार शख्सियात के तौर पर इसको हमने अदा करना है, और उसमें हम सबका किरदार और मीडिया का उसमें बहुत ज्यादा किरदार है। जी थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच। सर इट माइट लास्ट क्वेश्चन, जो पिछला इशू था उसके हवाले से, पाकिस्तान के अंदर सर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जैसे सेक्टेरियन एक मामला है, एक फॉल्ट लाइन रही है, दिस इज अ फैक्ट, और पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा तौर पर हुकूमत की इस मुल्क में, इस पर कोई शक नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप रोल प्ले करना चाह रहे हैं अच्छी बात है करें, लेकिन एक फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसके ऊपर ये बातें की गई हैं तो उसके बाद फिर पब्लिक के अंदर क्यों की गई? अगर वहां पे की गई ये इकोनॉमी के ऊपर बात की गई, ये सारी चीजें, आर्मी ने ये डिबेट जो है पब्लिकली क्यों स्टार्ट की? ठीक, थैंक यू वेरी मच। आर्मी ने ये डिबेट स्टार्ट नहीं की। देखें मुल्कों में सेमिनार्स होते हैं, इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, वहां पे कौन था सेमिनार में? मैंने आपको जो स्पीकर्स थे उनकी लिस्ट बताई,
बिजनेस कम्युनिटी थी, ट्रेडर्स थे, कराची पाकिस्तान की इकॉनमी का इंजन है। अब जब सिक्योरिटी के हालात कराची में ख़राब थे, जो कि बहुत बेहतर हो गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो आप उसका टॉपिक देखें, इंटरप्ले ऑफ इकॉनमी एंड सिक्योरिटी, उससे बातचीत करके उसको आगे कैसे बेहतर लेके जाना है, सिक्योरिटी कैसे। मैं इसमें आपको एक और बात कहना चाहूँगा, देखें अगर हाफ फील्ड और हाफ एम्प्टी वाली भी बात हुई, यस हाफ फील्ड है, शुड वी रिमेन कंटेंडेड टू द हाफ फील्ड या उसको हम ऊपर और लेके जाएं? तो ऊपर ले जाने के लिए फिर आपस में बातचीत करनी पड़ती है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनके कंसर्न्स देखने पड़ते हैं, चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ताकि हर अदारा अपना काम कर सके। अगर हमारा इनसार बोरोड इकोनॉमी पे होगा, ये प्लीज़ ये बात देखिएगा कि अगर हमारी इकॉनमी का दारोमदार बोरोड इकॉनमी पे होगा, तो फिर हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के डिसीजंस हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। अगर हमारी इकॉनमी सेल्फ सस्टेन्ड होगी, बेहतर होगी, तो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी। एट टाइम्स जब आपकी डिपेंडेंस बाहर के ऊपर है, तो आपके इंटरनल डिसीजन भी मुतासर होते हैं। अब सिक्योरिटी और इकॉनमी को आप डीलिंक नहीं कर सकते, तो आपस में अगर मिलके बैठे हैं और सबकी बातचीत सुनी है और हमने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं, उधर बात यह भी हुई कि जी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, एंड द कंक्लूजन वाज कि नो देर आर चैलेंजेस बट वी आर नॉट दैट बैड कि हम इस वक्त इस पर काम चल रहा है और आगे आइंदा भी अच्छा चलेगा। तो हमने तो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। अब उस चैलेंजेस में अगर ट्रेडर कम्युनिटी ने काम करना है तो वहाँ आइडेंटिफाई हो गया, अगर उस चैलेंजेस में एंटरप्रेन्योर्स ने कोई अच्छा काम करना है वो भी आइडेंटिफाई हो गया। तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए, और इसमें सिक्योरिटी का जो लिंक है वो हमारा है, उसमें हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। के ऑपरेशन के हवाले से दी, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक ये प्रोपोगंडा किया गया है कि शायद ये ऑपरेशन जो है वो नहीं था और अकानी नेटवर्क से ये लोग जो है वो ब्राह्मण किए गए या बाजियाब करवाए गए। ठीक, तो इसका जरा आपने खुद ही लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोपोगंडा, तो प्रोपोगंडा तो होता ही इसीलिए है, नेगेटिव कॉनोटेशन है उसकी। देखें इंटेलिजेंस जो है यूएस ऑफिशियल्स ने दी, अब आप इतनी एक्नॉलेज करें कि यूएस जो इंटेलिजेंस है उसकी विजिबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है, उनको चीज़ें नजर आती हैं, बताई जाती हैं, तो अगर कोई डील भी हुई होती तो आपके सामने होता, अगर डील हुई होती तो ये फिर इस तरीके से तो रेस्क्यू ना हुए होते। तो देखें जो ये यहाँ भी वही कुवतें आ जाती हैं, जो कि अगर कोई आपस का हमारा कोई कोऑपरेशन बेहतर होने की तरफ जा रहा है तो उसको स्कटर करें। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैंने भी दी, इंटरनेशनल मीडिया में भी जो ऑफिशियल वर्जन्स हैं उनकी आप वो देख लें, तो अगर एक पॉजिटिव है तो उसको स्कटल होने के लिए ये प्रोपेगेंडा को हमें उस नज़र से देखना चाहिए। जी थैंक यू। जैसा मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि कैप्टन सफदर का बयान आपने देखा होगा, बड़े दूर तक गया, बड़ा रद्दे मिल भी आया, आप पाक फौज का रिटायर्ड कैप्टन भी है, आप समझते हैं कि उनको बयान वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दूसरा ये बता दें, डीजी एक्स डीजी आईएसआई थे जो प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वो उन्होंने कबल अस वक्त रिटायरमेंट ले ली, इसकी वजूहत क्या थी? उनके जाने के बाद मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको कमांड पोस्टिंग नहीं मिली तो वो मुस्ताफी हुए, कुछ कह रहे हैं कि रेंजर्स में जब वो रहे थे तो उनके खिलाफ कोई एलिगेशन थे, कोई इंक्वायरीज थी, असल हकायक क्या है आप बेहतर जानते हैं सर, प्लीज। कैप्टन सफदर के ऊपर आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, इस पे बातचीत होगी एंड आई डोंट थिंक दैट मेरिट्स अ रिस्पांस, फर्दर रिस्पांस। जनरल रिजवान, यस देखें फौज एक बहुत बड़ा इदारा है, इसमें एक सिस्टम चलता है, तमाम चीज़ें चलती हैं, बहुत सख्तियां भी चलती हैं, बहुत कुछ होता है, इसमें कंपैशन भी होती है, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, हमारे इसके अंदर बहुत सारे और भी मिसाइल होते हैं। अब चूंकि वो एक्स डी जी आई एस आई थे, डी जी आई एस आई हमारे नेशनल कंस्ट्रक्ट में उनकी एक अपॉइंटमेंट की अहमियत भी है, ही हैड सर्टन यू नो पर्सनल कंपल्शन, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो फौज का सिस्टम है उसके अंदर, इट्स अ रूटीन अफेयर। लेकिन फिर वही होता है कि जो आजकल की चार्ज इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी स्पेकुलेशन हो जाती हैं, तो फौज में तो हर साल बहुत सारे अफसर रिटायर होते हैं, बहुत सारे जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, तो आई थिंक इसको उस तनाजर से ना आप देखें। थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच। जी सर मेरा टू पार्ट क्वेश्चन है, एक छोटी सी खबर डोनाल्ड ट्रंप, दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से एक छोटी सी खबर आई थी
पता नहीं आपकी नजर से गुजरी या नहीं गुजरी, वो ये थी कि अमरीका ने सख्त जुबान में बात की है तो उसका ये फायदा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा सर, इस बहस में जाए बगैर के आपको पब्लिक में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, या आप अपनी इनपुट देते हैं या नहीं देते, डेफिनेटली आप स्टेक होल्डर हैं, सिक्योरिटी और इकोनॉमी का जो आपने लिंक बताया है आपका नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, आप जाने दे रहे हैं, आपका हक बनता है कि उसको सिक्योर करें आप इकोनॉमी को। मुझे आपसे सर पूछना ये है कि जब आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी समेत जब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी समेत दीगर रिलेटेड इश्यूज पे इनपुट देते हैं गवर्नमेंट को, तो उनके ऊपर कंपल्शन कितनी है आपके इनपुट के ऊपर अमल करने की, और कोई परसेंटेज है कि इकोनॉमी के हवाले से आपकी जो इनपुट है सर उसको उन्होंने किस तरह से लिया, सीरियस नहीं लिया जिसकी वजह से आपको पब्लिक में आना पड़ा सर? देखिए आप फिर उसको आप सवालात में ये बात करते हैं कि हमारे ऊपर फोर्थ जनरेशन है और इनडायरेक्ट जो है वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है। कोई मसला ऐसा है ही नहीं डिसीजन मेकिंग में कि जी हम अगर कोई तजवीज़ दें और वो ना माने तो हमें कोई उसको जी के क्यों नहीं मानी। डिसीजन मेकिंग में आप तजावीज़ देते हैं, फिर उधर डिस्कशन होती है और उसमें फिर एक डिसीजन लिया जाता है, और जो नेशनल लेवल के डिसीजन है उसका जो सवाबदीद है वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है हमारे सिस्टम के अंदर वो लेते हैं डिसीजन, वो डिसीजन इंप्लीमेंट होते हैं। तो इस चीज़ को उस तरीके से लिंक ना करें। अगर तो ये सेमिनार हुआ होता सिर्फ आर्मी का, उसमें सारे यूनिफॉर्म पर्सन बैठे होते और हम विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इकोनॉमी उसके ऊपर बहस करते और फिर हम कहते हैं कि जी ये इकोनॉमी पर ये करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं हुआ। ये एक बिजनेस कम्युनिटी का इवेंट था। आई डोंट थिंक के सेमिनार इज इन क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक के सेमिनार की आउटकम इज इन क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि किसी ने ये कहा और ना ही कोई पब्लिक में गए हैं। तो आर्मी चीफ को अगर उन्होंने सिक्योरिटी के रेफरेंस से उधर की नोट एड्रेस के लिए बुलाया है और बातचीत जो हुई है वो इकोनॉमिस्ट ने की है और उसके अंदर हमारी कोई तजावीज आ गई हैं, तो ये देखें जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, क्या इकोनॉमी में पाकिस्तान के शहरी इन्वॉल्व नहीं है, कराची के शहरी इन्वॉल्व नहीं है? अगर आर्मी चीफ के जाने से उनका सिक्योरिटी के तनाजर में कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है तो क्या ये मुल्क के लिए अच्छा हुआ है या आर्मी के लिए अच्छा हुआ है? सर जिस तरह आपने कहा कि आर्मी का और सिक्योरिटी का आपस में गहरा ताल्लुक है, तो सर क्या आपकी सारी गुफ्तगू जो आपने आज अपनी अभी बात की है सर, जो मैं इसमें गेस कर पाई हूँ कि आपने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इसका आपस में लिंक है, जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी है, दैट्स मीन कि आपकी इकोनॉमी भी अच्छी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उस तरह से अच्छी नहीं है या अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, तो सर फिर इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है क्या फिर वो भी बेहतर नहीं है? आई हैड ऑलरेडी टेकन लास्ट क्वेश्चन। देखें आप फिर ट्विस्ट कर रही हैं, आप फिर ट्विस्ट कर रही हैं, चक्कर ये नहीं है। जब कहा गया कि इकॉनमी की अगर सूरत हाल बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, तो मतलब ये है कि इसको हमने मजीद बेहतर करना है। अच्छी इकॉनमी उस वक्त है जब पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर और स्टेबल समझे। वी आर डेवलपिंग कंट्री, इसमें ऐसे ही चैलेंजेस सामने आते हैं। इस चीज दिस इज अ नॉन इशू जिसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने जो उस पर रिस्पॉन्स दिया है वो सिर्फ उस एंगल से था जो रात के स्टेटमेंट से था, इस इशू को आगे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आती हैं, ये नहीं कि हर वक्त ऐसी स्टेटमेंट होती रहती है। बहुत सारे इशूज हुए उसमें मिनिस्टर्स ने बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, कुछ मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की तायद करते हैं। तो वी आर वन, हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इरिटेशन हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना